चलिए सीधा रुख करते हैं अयोध्या का, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी पहुंचे और दर्शन पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ हमारे संवाददाता अविनाश भी वहां पर मौजूद है। अविनाश के साथ कुछ लोग वहां पर मौजूद है। ओवर टू यू अविनाश। बिहार से पटना से माहौल कैसा लगा अयोध्या? माहौल बहुत अच्छा है। बिहार में भी योगी जैसा सीएम होना चाहिए जी। ये कि अयोध्या में जो चीजें चल रही हैं, चाहे निर्माण कार्यों की बात करें, साफ सफाई की बात करें, इसको देखकर क्या महसूस होता है? इसको देखकर यह महसूस हो रहा है कि अब हमारा राम राज्य आया हुआ है और हम सब उस राम राज्य में, यह हम लोग का सौभाग्य है कि यहाँ आने का हम लोग का सौभाग्य मिल रहा है। जो सीएम जैसा, जो हमारे यहाँ सीएम है उत्तर प्रदेश में, यह अयोध्या आने वाले समय में और भी चमकती हुई दिखेगी। श्रद्धालुओं का भाव है, कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। श्री राम का नाम लिखवाया आपने सर पे, कहाँ से हैं? सर मैं प्रतापगढ़ से हूँ। प्रतापगढ़ से थोड़ा सा आगे आ जाइए। प्रतापगढ़ से आप हैं, आप तो आते रहते? नहीं, पहली बार आया हूँ। अच्छा, पहली बार आए हैं, कैसी लगी है? अभी मौका नहीं मिला आने का, पहली बार मौका मिला आने का यहाँ पर। थोड़ा सा आगे आइए। कहाँ से हैं? मैं कुछ लोग मंदसौर एमपी से हूँ। एमपी से आप हैं, तो मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री बने हैं, अभी सीएम यहाँ के आए थे। यहाँ पर अयोध्या को लेकर क्या बातचीत होती है मध्य प्रदेश में? अयोध्या से लेकर सर हमारे उत्साह में, जो हमारे हिंदू धर्म में है, तो उत्साह बना रहता है हमारे लोगों में कि हम श्री राम जन्म भूमि जाएंगे और भव्य से भव्य तैयारी करेंगे। अभी 22 जनवरी के हमारे गांव में भी बहुत उत्साहवर्धन है और बहुत जोरों शोरों से हमारे गांव में तैयारी चल रही है। और हमारे गांव के अलावा हमारे आसपास के जो गांव है, उन गांव में भी हम साथ में लेकर सभी को सब मिलकर मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं। अपील कर रहा है कि आप लोग जहां पर हैं वहीं पर जन्म भूमि का उत्सव बनाएं। आप कहां से हैं? गोरखपुर से। आप तो सीएम के शहर से हैं, क्या कुछ तैयारी है 22 जनवरी को लेकर? उत्सव की तैयारी तो है और पूरा उत्साह उल्लास के साथ है तैयारी। श्री रामलला का हम लोग किसी तरह दर्शन कर रहे हैं। यहां पहले तंबू में रहते थे, आज भव्य निर्माण हो रहा है। जी हाँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं MS सफोटी योगी जी के ही कर जन्मभूमि से आता हूँ, देवभूमि उत्तराखंड से। और जिस तरह से सिक्योरिटी एजेंसियां लगी हैं, इसी तरीके से मैं भी रहा हूँ। अब भारत निर्माण के लिए काम कर रहा हूँ, भारतीय संस्कृति के लिए काम कर रहा हूँ। योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने यूपी को जो है नंबर 1 जो है भारत के अंदर बना दिया है। पूरे भारत में जब ये PM बनेंगे तो बहुत बढ़िया करेंगे, ये मुझे पूरा। तो देखिए, ये श्रद्धालुओं का भाव है और श्रद्धालुओं का रेला आप देख सकते हैं हनुमानगढ़ी के बाहर, चूंकि अब बहुत खूबसूरत यहाँ की तस्वीर भी हो चुकी है। और देखा जाए तो लगातार श्रद्धालुओं की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। उम्मीद है कि 22 जनवरी के बाद जो श्रद्धालुओं की तादाद है उसमें और ज्यादा वृद्धि होगी। हालांकि चूंकि आज मुख्यमंत्री अयोध्या दौरे पर है, तो वैसे में माना जा रहा है कि आज का जो दौरा है मुख्यमंत्री का, वो कई मायनों में महत्वपूर्ण है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री दर्शन पूजन तो करेंगे ही, साथ में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा और साथ ही में विकास कार्यों की मुख्यमंत्री के द्वारा समीक्षा भी की जाएगी। तो अविनाश को आप सुन रहे थे, जिन्होंने लोगों से बातचीत की। बेहद उत्साहित लोग नजर आ रहे हैं अयोध्या में पहुंचे हुए, लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है अपने मुख्यमंत्री को देखने के लिए भी। साथ ही साथ सबसे ज्यादा उत्साह लोगों में इस बात की कि श्री राम जन्मभूमि पर पहुंचे हुए हैं, मंदिर निर्माण किया जा रहा है, मंदिर के दर्शन में प्रभु श्री राम को देखना चाहते हैं, मंदिर निर्माण को देखना चाहते हैं, कितना काम हुआ है अयोध्या में, किस तरह से विकास की रफ्तार जो है वो देखने को मिल रही है। तस्वीरें आपके सामने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या पहुंचे हुए। करीब 4.5 से 5 घंटे का वक्त जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बताएंगे। और इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रही हैं वो हनुमानगढ़ी की तस्वीरें हैं, जहां अयोध्या के कोतवाल कहे जाने वाले बजरंग बली की आरती उतारते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। इसके बाद संतों से भी मुलाकात करेंगे, संतों से भी संवाद करते हुए नजर आएंगे। 4.5 घंटे अयोध्या में वक्त बताएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।